दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। वाराणसी में आयोजित 1 करोड़ शिवलिंग पूजन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया। बता दें कि यह काशी के 80 घाट स्थित मोक्ष भवन में आयोजित था, जिसका उद्देश्य था विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा करना। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी और भी बातें। काशी नगरी में सोमवार को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन का आयोजन श्री सांबस शिव महादेव सेवा समिति द्वारा विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। 80 स्थित मुमुक्षु भवन में आयोजित इस अनुष्ठान में देश भर से आए श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, जिनमें दक्षिण भारत के हजारों भक्त शामिल हैं। इस महोत्सव में हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। इस आयोजन की शुरुआत महिलाओं ने 80 घाट पर गंगा जल कलश में जल भरकर और भगवान शिव का जलाभिषेक करके की। श्री सांबस्ता शिव महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक अशोक गुप्त ने बताया कि इस महोत्सव के दौरान आंध्र प्रदेश से विशेष रूप से आए दर्जनों कारीगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। महोत्सव में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जो 4 से 15 नवंबर तक चलेगा। हर महादेव, हमें अशोक गुप्ता जी, काशीवासी, ये कार्यक्रम जो है 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, इसके बारे में हम बहुत बार इसके बारे में बताया है, अभी भी बता रहा है। ये 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग में ये मिट्टी से बना के इसके लगातार 10 दिन पूजा अभिषेक हवन करके ये काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी माध्यम से उसके आशीर्वाद से हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री सामवेद षण्मुख शर्मा जी, अभी निट्टला किरणमयी माता जी, ये लोन से आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चालू हुआ। आज प्रथम दिन हुआ, आज अभिषेक कहीं कहीं कार्यक्रम चालू हो गया। एक 10 दिन के बाद इसका शिवलिंग को गंगा में विसर्जन है। अभी ये एक पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के बाद इसमें 1008 सहस्र लिंग ये पत्थर से बना हुआ इसको स्थापित कर रहा है। एक नवा पत्थर का मंदिर बना के ये मंदिर में बिछा रहा है। इसके मूर्ति के नीचे सोना के 108 शिवलिंग, चांदी के, तांबे के, ये नवधातु मरकज का, पारी का, सालग्राम का, सभी 108 नवधातु शिवलिंग बिछा के अंदर बिछा के ऊपर में 1008 पत्थर का शिवलिंग बिछा रहा है। एक कार्यक्रम में हिमाचल गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, यूपी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, अभी उप मुख्यमंत्री, अभी हैदराबाद से, आंध्रा से, तेलंगाना से नेताजी लोग, साधु संत, ऐसा बड़े बड़े लोग सभी लोग आ गए। हमारा तेलुगु लोग भी इसमें 1000 लोग आ गए ये कार्यक्रम में। यहाँ काशी के भक्त लोग भी ये मीडिया के माध्यम से निमंत्रण समझ के सभी लोग आके एक परिक्रमा में 1 करोड़ परिक्रमा मिलता है। एक शिवलिंग नहीं, 1 करोड़ शिवलिंग है। एक शिवलिंग को एक परिक्रमा में एक ही परिक्रमा मिलता, इसमें 1 करोड़ परिक्रमा मिलता है। इसके सभी लोग आशीर्वाद लेना है, ये मीडिया के द्वारा से हमें बता रहे हैं।